दर्शक हैं जो एक सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आइए जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो। जी मैम, हेलो। हाँ जी सर, आपका नाम और आपका सवाल। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पाठक है, जी मैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बोल। मदर डेयरी का दूध एमआरपी रेट पर ही देते हैं जी, लेकिन जब अमूल दूध लेता हूँ तो उस पर रिटर्न 21 रुपीज होता है। फिर भी किसी दुकान पर 22 रुपीज लेते हैं तो कहीं पर 23 रुपीज लेते हैं जी। और वो ये बोलते हैं कि हम फ्रीज में रखने का जो खर्चा आ रहा है वो हम ले रहे हैं। लेकिन मैम, जो मदर डेयरी वाला दूध है वो भी तो आखिर वो फ्रीज में रखते हैं, उसमें भी तो बिजली लगती है। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ दुकान वाले ऐसा क्यों करते हैं और ऐसे में ग्राहक क्या कर सकता है, कृपया इस प्रश्न का जरूर जवाब दें। थैंक यू सर। सौरभ पाठक जी का अगर प्रश्न मैं संक्षिप्त करूं तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका जो रिटर्न प्राइस होता है उस पैकेट पे वो कुछ और होता है, जो शॉपकीपर होता है यानी दुकान वाला है जो वो कुछ ही और प्राइस पे बेच रहा है, तो ये जो डिफरेंस आता है ये क्यों आता है? देखिए, पहले मैं इनके प्रश्न का जवाब दे दूं कि जो एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, आप एमआरपी से ज़्यादा किसी से भी पैसे नहीं ले सकते हैं। जहाँ तक छोटी दुकानों का सवाल होता है, अमूमन लोग वहाँ पर फंस जाते हैं जब जाकर उनसे रिसीट नहीं लेते हैं। अब हम लोगों के यहाँ या हर अदालत में, जैसा मालूम होना चाहिए, कि एविडेंसेस जो हैं वो रिकॉर्डिंग या अन्य साक्ष्यों से भी की जा सकती है। अगर दुकानदार आपको 22 रुपए का दूध 23 रुपए में बेच रहा है, कह रहा है फ्रीजर में रखने के लिए बेच रहे हैं, तो ये उसकी सेवाओं में त्रुटि माना जाएगा और ऐसे में आप मुकदमा कायम कर सकते हैं। ज़रूरत है कि अगर वो आपको रिसीट दे देता है, 23 रुपए लिखने के लिए वो तैयार नहीं होगा एमआरपी के ऊपर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन अगर वो तैयार नहीं होता है तो आपके पास मोबाइल है, आप उस पूरी चीज़ को रिकॉर्ड करें और उसको बतौर साक्ष्य दाखिल करें कि मैं खरीदने गया कोई वस्तु और उसकी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस थी वो प्रिंटेड इतनी थी और उसका मूल्य इतना लिया गया मुझसे और इसका साक्ष्य मैं दाखिल कर रहा हूँ। तो ऐसे में वो केस एडमिसिबल हो जाएगा, हमारे यहाँ दाखिल हो सकता है, मतलब जो भी जहाँ भी नोएडा में रहते हैं नोएडा में दाखिल हो जाएगा और दुकानदार को दंड के साथ साथ मुआवजे के लिए भी किया जा सकता है प्रावधान। जागरूकता की जरूरत है जी।